नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमंदर जी और आप देख रहे हैं बाप न्यूज। चलिए देखते हैं बाप क्षेत्र की आज की बड़ी खबरें। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में कस्बों व शहरों से ज़्यादा दूर दराज के गांव ढाणियों के बासिंदों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। सामान्य बीमारी के लिए भी उन्हें CSC या PSC जाना भारी पड़ रहा है। इसके लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र जहां चिकित्सा सुविधा नहीं है वहां पर मेडिकल मोबाइल वैन शिविर लगाने के आदेश दिए हैं। इसी के तहत आज शनिवार को बाप ब्लॉक के शेखासर में मेडिकल मोबाइल वैन पहुंची तथा वहां स्वास्थ्य शिविर लगाया। BCMO डॉक्टर दाऊलाल चौहान ने बताया कि मेडिकल मोबाइल वैन द्वारा गाँव में मेडिकल शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सामान्य बीमारियाँ जैसे बुखार, खांसी, उल्टी, दस्त, BP, शुगर आदि का मेडिकल टीम द्वारा जाँच कर निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही है। शनिवार को खंड बाप में ग्राम पंचायत भवन शेखासर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 33 लोगों की जांच कर दवाइयां वितरित की गई। मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टर दौलत कुमावत, मेल नर्स द्वितीय अरविंद परिहार, STS राकेश सेन, ANM रेखा व सरिता ने शिविर में सेवाएं दी। समाज सेवी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कोम सिंह पातावत ने 11,21,000 रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए हैं। पातावत ने उक्त राशि का चेक जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को सौंप दिया है। उल्लेखनीय है कि समाज सेवी पातावत लॉकडाउन के बाद से ही जरूरतमंदों की आवश्यक जरूरतें पूरी कर रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री के किट भी वितरित किए हैं। पातावत ने कहा कि कोरोना वायरस के रोकथाम और बचाव के लिए राजस्थान सरकार निरंतर प्रयासरत है। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग व नगरीय निकाय के स्वास्थ्य कर्मचारी व अधिकारी लगातार जुटे हैं। उन्होंने प्रदेश के जिम्मेदार नागरिकों से अपील की है कि वे भी इस कठिन परिस्थिति में सरकार का साथ दें और अपना बहुमूल्य योगदान दें, ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते समस्या में फंसे लोगों को राहत दिला सकें। पातावत ने आह्वान किया कि कोरोना वायरस से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। कोरोना संकट काल की इस घड़ी में डॉक्टर अग्रिम पंक्ति में मरीजों की सेवा करने में जुटे हुए हैं, ताकि देश में कोरोना संकट काल जल्द समाप्त हो सके। वे राष्ट्र की सेवा में कोरोना योद्धा बनकर लगे हुए हैं। अपने घर परिवार को भूलकर कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच दूसरों की जान बचाने के अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन कर रहे हैं। बाप समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत राणेज के सोनलपुरा का बेटा कैलाश विष्णुई पुत्र भजनाराम खावा नर्सिंग अधिकारी के रूप में कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल नई दिल्ली में कोरोना वार्ड 10 PTH में सेवाएं दे रहा है। धर्माराम खीचड़ ने बताया कि कैलाश विष्णुई कोरोना संकट काल में दिन रात मानव सेवा कर अपना धर्म निभा रहा है। नर्सिंग अधिकारी कैलाश विष्णुई कहता है कि उसकी सेवा से अगर किसी मरीज की जान बचेगी तो उसे अपार खुशी होगी। मरीजों की सेवा करना उसका कर्तव्य है। घर पर फोन से बात कम होती है, लेकिन परिजनों ने उसे कहा कि बेटा, तुम इस संकट की घड़ी में अस्पताल में सेवा दे रहे हो, जिसका उन्हें गर्व है। परिवारजनों की हौसला अफजाई से मरीजों की सेवा करने का जुनून और बढ़ जाता है। लोदी उपखंड क्षेत्र की निकटवर्ती ग्राम पंचायत लोडिया में से गुजरने वाली राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आए दिन ओवरफ्लो हो रही है, जिससे नहर के आसपास के खेतों में खेती करने वाले किसानों को लाखों करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। अत्यधिक पानी के जमाव से खेत भी खराब हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार से नहर का पानी लगातार ओवरफ्लो होकर आसपास के खेतों में जाकर जमा हो रहा है, जिससे किसानों के खेतों में पककर तैयार पड़ी रायडा, जीरा तथा प्याज की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। पीड़ित किसान लोडिया निवासी पुरुषोत्तम रंगा, राजू दीपचंद रंगा आदि ने बताया कि पिछले लंबे समय से नहर ओवरफ्लो होने की समस्या चल रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा किसानों को लगातार भुगतना पड़ रहा है।